नमस्ते ठाकुर जी। ठाकुर साहब मैके बनाए लो, हम लोग कुछ ना किसी का मैनेजर आए तो लीडी उखाड़ी फेंक दे। हेलो 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 देवी जी। ठाकुर साहब इतने नाजुक उम्र में इतने सारी लकड़ियां काट करके बनाओ, इतने सारी लकड़ियां काट कर और सर पे लग करके तुम जा रही हो, हमें तुम्हें देख करके बहुत बड़ा तरस आ रहा है। क्या तरस आता है? इनकी आबादी बढ़ाओ देवी। अरे लड़की तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम, किसके हाथों बुला ली, कहां तुम्हारा धाम। बोलो किसकी लड़की, कहां है तेरे, क्या नाम है तुम्हारा। तो रैयत हूं मैं आपकी, और रैयत हूं मैं आपकी, और शांति मेरा नाम, और कस्बा तिलहर में वही हमारा धाम। तुम कस्बा तिलहर की रहने वाली हो? और मेरा नाम शांति देवी, मैं एक बहुत ही अनाथ बेचारा लड़की हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया में कोई ना है, पहले बताओ हम क्या मरिए हैं क्या? इसके कहने का मतलब ये हुआ, एक बेचारा अनाथ लड़की, इसके मदद करने वाला हमदर्द कोई नहीं, और तो हमारी रैयत है। आज क्या तुम तो मालिक की मैयत हो? तो मैयत नहीं, रैयत में रैयत और कसल मैयत बता रहा है। जिसका कोई मदद कर हमदर्द नहीं होता है, उसके हर मदद करने के लिए ठाकुर धर्म। मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी ठाकुर साहब। नहीं समझू तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। शांति देवी, और सूरत तेरी हाय ते मालूम दे दे तो जरा
तरह करके मेरे सिरे से लग जाओ। हर हर गाली एक नहीं चाहे हजार, लेकिन जम करके मोहब्बत करो। ये तेरी जो छोटी फोटी झोपड़ी है, इसको एक आलीशान मकान बना, और तुम्हारा जो गोरा गोरा बदन है इसको सोने चांदी से। अरे मान जाओ, कौन मारी बोझ हो मजे लूट ले दो यार। ए मेरी बहन, और मजे इश्क के लूटना चाहे Yeah.
लिए तैयार है। मैं कुछ नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। करोगी? अब तुझे यहाँ से उठा कर पांडे के पीछे ले चलूंगा। कश्यप भगवान की तेरी जो जवानी है इसको उठो, चलो मेरे साथ। हाय भगवान, हाय भगवान, अब तेरे ऊपर बादल फट जाए, मरी जाए, गजर जाए, तब जब बादल फट जाए हमने तेरे पर शमशान बचाए। चली देखी जरा का होते है। अब बाबा हम कौन आई सबर होते है, अब हमारे देखो यहाँ खड़े हो गए। चली देखी का होते है, हमका लागत पीछे भंडारा हो जाए रहा। अब दीदी ने पूरी मोख ही बचल है। साले गर्मी का सीजन है, गर्म पानी से स्नान कराके नहीं, ठंडे पानी से, ताजा पानी 10 बाल्टी निकालो, जम करके स्नान करके कपड़े बदलेंगे, कपड़े बदल के शराब पीने का मोड बनाएंगे और फिर चल करके दो सारे लौंडिया बनाएंगे। हेलो कौन शांति, तो फिर आ गई, अभी तेरा बदन हल्का नहीं हुआ क्या, फिर तुम्हारा उठा करके ले चलो। ठाकुर धर्म जी, हाय हाय, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो आज के दिन तूने अपने दो बल की हवत के लिए मेरी इज्जत लूट ली। हाय हाय मेरी जान, मत तो क्या अरमान हमारे दिल के अंदर जो बाकी थे, आज के दिन तुम्हें पा करके मुझ तो अरमान सारे मिट गए। मुझे लौट आज के दिन तूने मेरी हाथी खेल की दुनिया में आग लगाया है। आग नहीं लगा बल्कि पानी डाल करके उसे गुम कर दिया। अब मैं जाऊंगी तेरे ही कछुआ तिलहार की तरह। नहीं जाएगी तिलहार नहीं, सारे गांव के अंदर चिल्ला चिल्ला कर कह दूंगी। क्या कह देगी? यही कह दूंगी कि मेरी इज्जत लूट कर मुझे बर्बाद किया। कश्मत तिलहर में जाकर के मेरे नाम को बदनाम करेगी, लोगों को शादत से लाएगी, गला फाड़ फाड़ करके आवाज देगी कि धर्मधन ने मेरी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दिया। लेकिन नहीं, कश्मत तिलहर के अंदर तेरी आवाज को सुनने वाला कोई माइक लाल पैदा ही नहीं हुआ है। तुझे आवाज सुनाना है, मेरे नाम को बदनाम करना है तो सीधे वहां जा जहां तेरी मौत तेरा बाप हो चुका है। उनके सिवा तेरी पुकार आवाज को कोई नहीं सुनेगा। अरे हत्यारे, हाँ तो उनके अलावा तेरी पुकार को सुनने वाला कोई नहीं। अरे हत्यारे, आज के दिन तूने मेरी इज्जत लूट कर मुझे बर्बाद किया है। मैं तेरा खून पी जाऊंगी कुत्ता।
तो गजब कही दी है वही क्या गोली मार दिन वही की जतो लूट ली है यही जमींदार की पक्के बहन चुहत है अब इनकी नौकरी हम नहीं करवा का है रात दिन भैया हमेरी करी नौकरी हम करी धन मेहरुआ जब तक हमरी हमका जब तक बुलावे आ जाते और कोई दिन जैसे हम ना भेल मेहरुआ हमरी ससुरी को बहुत करिया लाली लगा के आवत है और कोई दिन हमरी मेहरुआ कहीं देखे नहीं हमारी मेहरुआ की इज्जत लूट रहे तो हम का करी और हमारी मेहरुआ नजर उठा के देख ली हम इनकी फिर हकीकत मानो भाई मेरी तुम गुंडे क्या जानो ऐसे कोई चौराहा नहीं ऐसे कोई दुकानदार नहीं जैसे 10-20 रुपया चाहिए ना हो पैसा मांग ले तो मोर भाई जी और इन पर झलसी तो मैं इन पर बहुत दिन से कत्ते दिन से झलसी तुम्हें बताई दी हमारे यहाँ पोती के रे पतो भय एक पोती के रे नहीं पतो के रे पोती भय है हम झट्ठी करैया इनसे 2000 रुपया मांगे ना हम का दी गेन इनके ख्यातनवा कम से कम 200 बीघा गन्ना ठाड़ रहा है निकारन दिया सलाई चुप्पत गन्ना फूक दे चौदहवा जो नहीं पता लगाई पहनी फंसे कौन मंगू चमार वो जेल में हम नौकरी नहीं गए रहे अब इनकी नौकरी ना आई गरीबा अब जाने कस्बा तिलहर के अंदर थाने के अंदर चौकीदारी करेंगे जाकर हुए पूरी आलू भैया हुआ खूब लहसन हुईबा आई हम चौकीदार राजवंशी रूप पसिया हमारी बिरादरी में फुड़ुक ज्यादा देखा जाता है जब तलक साहब नहीं आते तब तलक अपना हुड़कहा राग शुरू करते पहले चिकारा मिलाई जाए चिकारा बढ़िया बोलना भूड़ के देखी सार बढ़िया बोलते अब रहन मिलाई लगाए रहन बिरवा करौंदा वही माँ फरी गे पूर्व दिन पाती फलाने आज मरी गे जिंदम रहा है ठीक ठाक मर के अकड़ी गे पूर्व दिन पाती फलाने आज मरी गे मुर्गा घड़ी अलार्म कहू नहीं वही देखत इतने बड़ के नी कर है वही टाइम टाइम से पादते अरे काखी के पादते रहे तो समझो 12 बज गए पूर्व दिन पाती फलाने आज मरी गे अब जाए हमार साज मिल पावा है पालू खाई के मिसिया बिगड़ी गई पालू खाई के मिसिया बिगड़ी गई रात नहीं कहा
यार चौकीदार पहले बताओ तुम कहते तुम यार कोई थाने में तो भूत रहता है क्या? ना जो तुम हाँ हाँ। तो तुम्हारे पोटले पर मुंशियानी कहे लगी आज आज मुंशी जी चौकीदार है ना आज हम अकेले हैं हमारे कुछ दिमाग ना काम करे तो आज तभी तुम चीर दे हो प्यारे लकड़ी लकड़ी कैला बोला करो तुम चैला जी हम परिजन चले तुम हाँक दे दी हो भागत भागत है ना सब धोखे लग गए हमारे धोखे से लग गए हम कहीं के हमारी परिया टूट जाती है कहीं हमारी नट टूट जाती है हमारी तो मई तो कौन खानदानी रहा हमारा यार चौकीदार हाँ यार इस समय तुम्हारी मुंशियन से मेरा बहुत अनबन चलता है अच्छा कुछ मूड काम नहीं कर रहा है मूड मूड काम नहीं कर रहा ज्यादा ना काम करो तो अंदर चलो तेल लगा के दाब दी मूर मूर हो यार चौकीदार हाँ कोई गाना सुना साहेब और क्या खूब लगती हो साहेब यहाँ एक्शन है गाना का और क्या खूब लगती हो और किलो भर दूध देती हो क्या रे कौन तो गला साहब